नमस्ते सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट जितेंद्र कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों शिफ्ट सेकेंड और थर्ड के 28 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आज आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन में बोला गया है, चार घंटियां 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड और 3 सेकंड के समय अंतराल में बजती हैं, यदि वो पहली बार 10 बजे एक साथ बजी हो तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो उन सब का आपको सीधा सीधा एलसीएम निकालना होता है। तो आप 6, 5, 4 और 3 का एलसीएम निकालिए। तो दोस्तों आप यहां से सीधा सीधा बता सकते हैं कि इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 60। और ये सब सेकंड में दिया है तो किस में आ जाएगा दोस्तों, 60 सेकंड। तो जब 6, 5, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 सेकंड। इसका मतलब होगा है दोस्तों 60 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मिनट। 60 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मिनट। मतलब दोस्तों ये हर एक मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी। ठीक दोस्तों, तो ये पहली बार कब बज रही थी, 10 बज, पहली बार एक साथ कब बजी, 10 बजे। तो दोबारा एक साथ कब बजेंगे, 1 मिनट बाद। तो कितने बजे दोबारा एक साथ बजेंगे, 10:01 पर, और आपसे यही पूछा गया था। तो ये जब कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों इसका, ये दोबारा 10:01 में एक साथ बजेंगे। इसके बाद फिर अगली बार कब बजेंगी, तो 10:02 में। फिर अगली बार कब बजेंगी, 10:03 में। मतलब ये हर एक मिनट बाद एक साथ बजती रहेंगी। तो हमें बताना दोबारा कब बजेंगी, दोबारा 10:01 में बजेंगी, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने बहुत टाइम दे करके लगाया है, जबकि इस क्वेश्चन को आपको ओनली 10 सेकंड के अंदर हल करना था। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों जब भी कहे 8 रुपए में 3 साल के लिए 6%, 8% और 10% की साधारण ब्याज की दर से दिया गया है, और जब भी आपसे पूछे कुल ब्याज बताना है, देखिए तीनों साल का ब्याज क्या दिया, अलग अलग दिया है। पहले साल 6% मिल रहा है, दूसरे साल 8%, तीसरे साल 10%। लेकिन आपसे लास्ट में पूछा है कि तीनों का कुल साधारण ब्याज मुझे बता दो। तो जब भी दोस्तों इस तरह पूछे क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना सा करना है कि इन तीनों का जोड़ लीजिए कितना होगा, 10, 8, 18 और 6, 24। मतलब उसको 3 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 24% ब्याज मिलेगा। आओ बस दोस्तों आपको जितना रुपए दिया है 800 दिया है, तो 800 का 24% निकाल दीजिए। तो इसको काटिए, 0 से 0 गए, अब ये कितना आ गया, 8 चौक 32, 8 16 3 19। तो उसको 3 साल में कुल साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 192 रुपए मिलेगा। और दोस्तों मेरे पास बहुत लोगों ने बताया, कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल के आए थे कि पहले साल उसको 6% मिला, तो उन लोगों ने निकाला पहले 800 का 6%, तो ये कितना आएगा दोस्तों, इसको इसको उन लोगों ने काटा और ये अर्थांक कितना आया, 48। फिर इसके बाद उन्होंने दूसरे साल के लिए निकाला 800 का कितना 8%, तो फिर उन लोगों ने इसको ऐसे किया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटे और ये 8 8 कितना आया, 64। फिर इसके बाद उन लोगों ने तीसरे साल के लिए निकाला 800 और 10/100, इसको उन लोगों ने काटा तो कितना आया, 80। और फिर इन तीनों को जोड़ा तो 8 4 12, 8 से 14 4 18 1 19। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग, कुछ लोग एग्जाम में बहुत सारे लोग इस तरह निकाल के आए, जबकि इस क्वेश्चन को आपको सीधा सा लगा देना था, तीनों का परसेंटेज जोड़ लेना, 24% आया और 800 का 24% निकाल देना था, आपको वही आंसर आ गया 5 सेकंड के अंदर। अब दोस्तों यदि, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों मैं यदि होता तो मैं ये भी कैलकुलेशन पेन से नहीं करता। कैसे, आप इस चीज को समझ लीजिए, जैसे दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे 800 का 24% निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये कितना बन गया दोस्तों, 80 बन गया। जैसे 80 बन गया तो ये 80 मेरे कितने परसेंट की वैल्यू आ गई, ये मेरे 10% की वैल्यू आ गई। अब इसका मैं दोगुना कर दूंगा तो कितने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी, 20% की, और 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 160। और मुझे निकालना कितने परसेंट की है दोस्तों, वैल्यू 24% की वैल्यू निकालना है। फिर आप यहां पर 1 अंक बाद और दशमलव लगा दीजिए, तो ये कितना बन गया, 8, और ये 8 कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, 1% की वैल्यू हो गई। आपको 20% की निकाल चुके, तो 4% की वैल्यू आपको और चाहिए, 1% की वैल्यू आपको पता है 8, तो 4 में और मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। तो 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 32। ये आपकी 20% की वैल्यू थी, ये आपकी 4% की वैल्यू थी, तो 24% की वैल्यू दोस्तों
सीधा सीधा कितनी आ गई 192। दोस्तों अभी आप यदि इस मेथड को पहली बार समझ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और थोड़ा सा लगेगा कि ये बड़ा मेथड है, लेकिन दोस्तों आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन इसी मेथड से लगाना है। और यदि जिस दिन आप ये मेथड सीख गए तो आपको पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के बता सकते थे वो भी 10 सेकेंड के अंदर। ठीक दोस्तों, तो आपको इस मेथड को पर फोकस करना है और जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आपको इसी मेथड से लगाना है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उसके पहले दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और यदि दोस्तों किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, उस समस्या का समाधान आपके लिए जरूर निकाला जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पेट्रोल का दाम 20% बढ़ जाने पर पेट्रोल कितना परसेंट खर्च कम कर देना चाहिए ताकि लोगों पर कोई असर ना पड़े। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि लोगों पर कोई खर्च पर असर ना पड़े, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, या यदि मैं पेट्रोल में एक महीने में 500 रुपए खर्च कर रहा था तो मुझे एक महीने में 500 ही खर्च करना है, चाहे पेट्रोल का दाम बढ़े या घटे। यदि पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो मैं पेट्रोल कम यूज करूंगा, और यदि पेट्रोल का दाम घट जाएगा तो मैं पेट्रोल ज्यादा यूज करूंगा, लेकिन मैं 500 से ज्यादा रुपए खर्च नहीं करूंगा। तो इसने भी वही बात बोल रहा है कि लोगों में कोई भी असर ना पड़े, मतलब लोग जितने का पेट्रोल खर्च कर रहे थे उतने का ही पेट्रोल खरीदे, रेट बढ़ गया है तो उसको कम यूज करें, घट गया है तो ज्यादा यूज करें। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो उसको आपको हमेशा करना है, ये 20% बढ़ रहा है तो आपको 20% ऊपर लिख लेना है, और दोस्तों नीचे क्या लिखना है, 20% बढ़ गया तो मतलब कितना, 100 में उसको क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 20/120। यदि दोस्तों इसी में बोल रहा होता कि पेट्रोल का दाम 20% घट गया तो आपको कुछ नहीं करना, 20 को ऊपर ही लिखना है और 100 में जितने परसेंट घट गया उतना घटा देना है, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, 20/80। तो बस दोस्तों आपको यहां से एक बात याद रखनी है, जितने परसेंट बढ़ रहा है उसको ऊपर लिखना है, और यदि बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के लिखना है, और घट रहा है तो 100 में घटा के लिखना है। अब दोस्तों बस इसको सॉल्व करिए, तो 20 + 20 = 120 कितना आ गया, 1/6, और 1/6 की फ्रैक्शन में सीधा सीधा वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कितनी होती है, 16/2/3%। तो कितने परसेंट खर्च कम कर देना चाहिए, 16/2/3% खर्च कम कर देना चाहिए। दोस्तों यदि किसी को सीधा वैल्यू याद नहीं है तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराइए, तो इसको 2 से काटिए तो 3 आया, ये 50 आया, तो दोस्तों कितना आ गया, ये 50/3, और 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16/2/3%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बस बिल्कुल सिंपल सा है, आप इस क्वेश्चन को भी बिना पेन के बता सकते थे। मैंने जो रूल बताया, क्या बताया, कितने परसेंट बढ़ा, 20 को आपको ऊपर लिखना है, 20% बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के लिख दिए, कितना होगा, 120। 20/120 मतलब 1/6, और 1/6 की वैल्यू फ्रैक्शन में सीधा सीधा पता होती है, 16/2/3%, बस आपका यही आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं, दोस्तों जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो देखिए क्या करें, अंकित मूल पर 10% की छूट दी जाती है। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को देखिए मैं आपको समझाता हूं आसान तरीके से। मैंने मान लिया कितना है, एमपी है मेरा 100, एमपी में 10% छूट के बाद बेची गई, तो मतलब एसपी कितना हो गया दोस्तों, वो 90 रुपए में बेची गई होगी वस्तु। अब दोस्तों जब ये वस्तु 90 रुपए में बेची गई तो इसमें कितने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है दोस्तों, 25% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों क्या आप यहां से एक बात आपको समझ में ये आ रही है कि ये जो 90 रुपए दिया है ये किसकी वैल्यू दी गई है, 125% की वैल्यू दी गई है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, यदि आ रही हो तो हाँ करिए, नहीं तो अभी मैं इसको दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को कराऊंगा। दोस्तों एक बार फिर से सोचिए, ये 10% छूट देने के बाद एक वस्तु में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 10% की छूट दे दी गई फिर भी 25% का लाभ हुआ। तो दोस्तों और ये वस्तु कितने बेची जा रही है, 90 रुपए में बेची जा रही है, तो जब उसको दोस्तों 25% का लाभ हो रहा है मतलब वो वस्तु कितने बेची गई होगी, 125 में बेची गई होगी। तो दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि 125% की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 90 की। तो यहां से दोस्तों 1% की जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 90/125, और मुझे 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये दोस्तों कितना है, 25 × 125, 25 × 100, और इसको 5 × 5 = 18, 5 × 90 तो 18 × 72, तो आपका सीपी कितना आ गया, 72। और आपको रेशियो किसका किसका बताना है, सीपी
किसका क्रय मूल और अंकित मूल का रेशियो बताना है सीपी और एमपी का, तो सीपी आपका 72 आ गया, एमपी आपका 100 दिया है, इसको काटिए 18 चौको 72, 25 चौको 100, तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया 18:25। तो ये दोस्तों एक बिल्कुल आसान तरीका था। एक दोस्तों मैं और इससे भी आसान तरीका आपको बताता हूं, चलिए उस तरीके को भी आप लोग देखिए। दोस्तों मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया एमपी मेरा है 100 रुपए और दोस्तों एसपी 10% की छूट देने के बाद बेची गई, तो कितने में बेची गई, 100 में जब 10 का छूट दे दिया जाएगा तो ये वस्तु कितने में बेची गई होगी, 90 रुपए में बेची गई होगी। अब दोस्तों यहां से मुझे सीपी निकालना है क्योंकि मुझे अंकित मूल तो पता है 100, अगर मेरा क्रय मूल और पता चल जाए और मुझे तो दोनों का रेशियो निकाल दूंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दोस्तों यहां से यहां पर आइए, उसको 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो 25 का फ्रैक्शन में सीधा सीधा लिखिए कितना हो गया, 1/4। और मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि जो नीचे होता है वो मेरा क्या होता है सीपी, और ऊपर क्या लाभ बोल रहा है, तो मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या है मेरी, लाभ वाली वैल्यू है। तो यदि सीपी में मैं लाभ जोड़ देता हूं तो मेरा वो क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है, तो मतलब मेरा एसपी कितना है 5, और यहां पर क्वेश्चन में कितना एसपी दे रखा है 90, तो यहां से 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 5 की वैल्यू आ गई 90, तो यहां से 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 90/5, तो 18 × 5 = 90, तो दोस्तों यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 18। आपको सीपी निकालना है और सीपी आपका है कितना 4, सीपी आपका है 4, 1 की वैल्यू है 18, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, तो यहां से भी आपका दोस्तों कितना आ गया सीपी 72 आ गया। अब आपको इन दोनों का सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है, तो आपका सीपी है 72 और एमपी है कितना दोस्तों 100, इसको काट दिया तो 18 × 72 और 25 × 100, तो 18:25 जी आपका क्या आ गया, इन दोनों का रेशियो, बस दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए आप इसको जिस मेथड से भी आपको आसान लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, बस आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको हर क्वेश्चन का दो तरीका लगाने का पता होना चाहिए, पता नहीं कौन सा तरीका आपके एग्जाम में याद आए और कौन सा तरीका आपको याद ना आए। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, इनका माध्य नए माध्य पुराने माध्य मुझे अंतर बताना है। तो दोस्तों माध्य का ही एक माध्य का दूसरा नाम होता है क्या दोस्तों, औसत। औसत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। और दोस्तों औसत निकालने का आपको फार्मूला पता होता है, नीचे क्या लिखते हैं टोटल संख्याएं जितनी भी चीजें हैं, ऊपर क्या लिखते हैं सबका जोड़, तो इन सबको जोड़िए तो एक तो 0 आ जाएगा, फिर 5, 6, 11, 2, 3, 4, 18, 18, 3, 21, 28, 29, 29 और 37, 38, 37, 45, तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये 450 संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितनी संख्या है दोस्तों 9, तो इसको काट दिया 9 × 45, तो आपका दोस्तों कितना आ गया औसत या माध्य कितना आ गया 50। अब दोस्तों हम लोग एक नया औसत निकालते हैं, नया औसत, और नए औसत में दोस्तों क्या बोला गया है, नया औसत बोले या माध्य बोले दोनों एक ही बात है, क्या बोला गया है 30 की जगह क्या करना है दोस्तों 100 करना है, 30 की जगह दोस्तों क्या करना है 100 करना है। तो आप दोस्तों इसको देखिए चाहे किसी भी तरीके से सोचिए, अब दोस्तों यदि मैंने इसमें 30 हटा दिया तो इन सबको जोड़ कितना आ रहा था 450, अब जब मैंने इसमें 30 हटा दिया तो बाकी बची हुई संख्याओं को जोड़ कितना आएगा 420, और दोस्तों 30 की जगह क्या कर दिया गया 100 कर दिया गया, तो मैं इसमें सिंपल सा 100 जोड़ दूं, और दोस्तों अभी भी संख्याएं कितनी होंगी, ये 8 थी और ये कि 9 ही हो जाएगी, तो संख्याएं भी दोस्तों अभी कितनी रहेंगी 9 ही रहेंगी। दोस्तों यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इसको क्या करिए 30 की जगह यहां पर आप लिख दीजिए 100 लिख दीजिए और इन सबको जोड़िए, तब भी आपका कितना आएगा दोस्तों 520 ही आएगा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूं, दोस्तों यहां पर क्या किया गया है 30 की जगह कितना लिखा गया है 100 लिखा गया है, 30 की जगह कितना लिखा गया है 100, तो ये दोस्तों जो 30 से 100 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 30 से 100 70 ज्यादा है, तो बस दोस्तों आप क्या करिए 450 में 70 जोड़ दीजिए तब भी आपका 520 आ जाएगा। तो जो भी आपको मेथड आसान लगे उस मेथड से आप लोग इसको जोड़ लीजिए कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कितनी संख्या है ये 9, फिर इसको भाग दीजिए 520 आ गया, तो दोस्तों ये कितना आएगा 9 × 45 कितना बचा 7, और इसके बाद फिर 9 × 7 = 63 लगाया, फिर 7 बचा 9 × 7 = 63, तो ये कितना आ गया नया माध्य कितना आ गया 57.7, पहले वाला माध्य था 50, नया माध्य कितना आ गया 57.7, तो दोनों का कितना अंतर आ जाएगा 7.7, और यही आपका आंसर हो गया।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी बेहतरीन और क्वालिटीदार वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों यदि आपको कोई भी दिक्कत हो या आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना सुझाव दीजिए और उस सुझाव को जरूर माना जाएगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 दिया गया है, उसका आयतन बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस इतना सा करना है, इसका देखिए मैं एक घन बनाता हूं। तो दोस्तों जो ये घन होता है, ये देखिए आपका घन ये इस प्रकार का कुछ होता है। अब दोस्तों जो ये घन होता है, इस ये जो घन होता है, ये घन के अंदर कितने स्क्वायर होते हैं दोस्तों? 6 वर्ग के बराबर होते हैं। कितने होते हैं इसके अंदर दोस्तों? 6 वर्ग होते हैं। और दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होता है, इसकी मैंने भुजा मान ली ए। और दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होता है भुजा स्क्वायर, और इसके अंदर कितने वर्ग होते हैं? 6। तो यहां पर क्या दोस्तों कह दिया, 6 का मल्टीप्लाई। तो यही दोस्तों क्या हो गया हम लोगों का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज के बाद आपको कभी नहीं भूलना चाहिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × a² ये कैसे आया। तो वर्ग इसमें कितने वर्ग होते हैं? 6। और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होता है कितना? भुजा स्क्वायर। वर्ग कितने? 6, इसलिए 6a². और क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 864। तो इसको 864 के बराबर कर दीजिए, इसको काटिए। तो 6 × 6, 6 × 24, 6 × 24 तो a² का मान आ गया दोस्तों 144। तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा? 12। और दोस्तों इसका मुझे आयतन पूछा है, और आयतन आपको पता होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ए क्यूब। और ए का मान आपको कितना पता है? 12। तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा, और 12 का क्यूब आपको सीधा याद होना चाहिए 1728। कितना होता है? 1728। यहां पर कोई यूनिट नहीं दी, इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे? आयतन है। तो क्या होगा? आयतन हमेशा इकाई क्यूब होगा। क्या होगा? यूनिट क्यूब। क्या होगा दोस्तों? हमेशा यूनिट क्यूब। तो बस दोस्तों आपका यही आंसर हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ऐसे लगाना था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगा और 100% मैं उस समस्या का समाधान आपको जरूर निकाल के दूंगा। बस आप मुझे समस्या बताइए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकाल के आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।